एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो आज का वीडियो बहुत ही नया टॉपिक है। ये वीडियो मुझे इसलिए मन किया बनाने का क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार हम प्लान नहीं कर पाते कि हमको किसी प्रोग्राम में जाना है, या मान लो कि करवा चौथी आ रहा है। बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनके छोटे बेबीज हैं, या जो घर के कामों में इतना ज्यादा उलझी होती है कि उनके पास वक्त नहीं होता कि वो जा करके शॉपिंग करें, एग्जैक्ट चीजें मैच करके लेकर आए अपने लिए। सो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि लास्ट मिनट में अगर आपको, आपके पास कोई तैयारी ना हो बट इस टाइप की कुछ चीजें आपके पास हो, तो आप इनसे स्टाइल कर सकते हो अपना पूरा करवा चौथ या कोई भी फेस्टिवल, कोई भी ओकेजन, किसी पार्टी में जाना है, कुछ भी। आप इन चीजों से बहुत अच्छी तरीके से उनको स्टाइल कर सकते हो और ये आपकी बेस्ट फ्रेंड साबित हो सकती हैं। सो मैं इस वीडियो में आपके साथ टॉप 10 चीजें शेयर करूंगी जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास होनी ही चाहिए, जिससे हम कभी भी टेंशन में नहीं आएंगे, हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि अरे यार इसका मैचिंग नहीं है, इसका मैचिंग नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताती हूँ मेरी टॉप 10 फेवरेट चीजें जो मैं हमेशा, अगर खराब भी हो जाती तो मैं रीस्टॉक कर लेती हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है, हम जब भी कोई प्रोग्राम में जाना होता है, हम टेलर को अपना ब्लाउज देते हैं सिलने के लिए, तो हमेशा या तो गड़बड़ हो जाते हैं या तो टाइम पे मिलता नहीं है, सो हम सेटिस्फाइड नहीं होते। सो मैं आपके साथ बहुत बढ़िया एक दो ऑप्शन शेयर करने वाली हूँ। इस टाइप के ब्लाउज आपके पास होने ही चाहिए। सो फर्स्ट जो ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कुछ इस तरह का मल्टी कलर का ब्लाउज, ठीक है। इस तरीके के मल्टी कलर के ब्लाउज जो होते हैं वो स्पेशली आपकी हर तरीके की साड़ीज के साथ चले जाते हैं, क्योंकि इसमें हर तरीके का कलर होता है, तो आप किसी भी साड़ी के साथ इनको मैनेज कर सकते हो, इनको ट्राई कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो बहुत अलग अलग तरीकों से। तो ये आपका बहुत मतलब कि कह सकते हो एक टाइम सेवर वाला प्रोडक्ट हो जाएगा, अगर आपको एकदम से एट रैंडम कहीं जाना है और आपके पास आपकी साड़ी के कलर का ब्लाउज सिला हुआ नहीं है। सो आप इस तरीके के मल्टी कलर के ब्लाउजेस को ट्राई कर सकते हो, ये काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और ये मैंने ऑफलाइन परचेज किया था, ये ऑनलाइन परचेज नहीं है, बट इस तरीके के ब्लाउजेस मेरे पास और मीशो से है। अगर आप मेरा ब्लाउज का कलेक्शन देखना चाहते हो तो कॉमेंट करके जरूर बताना, मैं शेयर करूंगी आपके साथ। सो ये पैडेड ब्लाउज है, ठीक है। और तो ये फर्स्ट ब्लाउज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मल्टी कलर के ब्लाउज। इनको आप किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकते हो, किसी भी साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हो। मेरी बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ हैं जिनके साथ मैं इनको स्टाइल करती हूँ, इस मल्टी कलर के ब्लाउज के साथ स्टाइल करती हूँ। अगर आपके पास मल्टी कलर के ब्लाउज नहीं है तो आपके पास गोल्डन कलर का ब्लाउज जरूर होना चाहिए, वो भी मैक्सिमम साड़ीज के साथ चला जाता है। ओके, सेकेंड ब्लाउज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है इस तरीके के रेड कलर, रेड ब्लाउजेस। रेड ब्लाउज इस तरह का आप, सॉरी, इस तरह का आप ले सकते हो जो कि कुछ इस तरीके के हैवी ब्लाउजेस होते हैं जिनमें वर्क किया हो, इस तरह का आप ले सकते हो, या फिर प्लेन रेड ब्लाउज हर किसी के पास होता है, तो प्लेन रेड ब्लाउज को भी आप अपनी साड़ी के साथ मैच कर सकते हो। बट एक इस तरह का हैवी रेड कलर का ब्लाउज रख लोगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा ब्लाउज है, इसका नेक जो है वो इतना ज्यादा ब्रॉड है कि मेरे हैंगर से बाहर जा रहा है, बट वी शेप का इसका एक्चुअल नेक है। काफी प्यारा ब्लाउज है, ये मैंने खरीदा था मीशो से, बैक से कुछ इस तरीके से लगता है। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ब्लाउज है, ये मैंने मीशो से परचेस किया था, बहुत ही अच्छा ब्लाउज है। तो ये था फर्स्ट ऑप्शन। बैंगल्स की, अगर सेटिंग की बैंगल्स नहीं है, प्लेन बैंगल्स के साथ आप इस तरह की पर्ल वाली जो बैंगल्स आती है ना, इस तरीके के सेट्स को आप आगे पीछे करके लगा सकते हो, और ये पूरे आपकी जो चूड़ियां हैं, जो प्लेन सी बैंगल्स आपने पहन रखी है, उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से स्टाइल कर देगा, ग्रूम्ड कर देगा, और बहुत ही सुंदर लगेगी आपकी जो प्लेन सी बैंगल्स है। मार्केट में भी हम जाते हैं तो हमारी बैंगल्स में इसी तरीके की चीजें वो लगाते हैं, इसी तरीके महंगी महंगी बैंगल्स हमें सेल करते हैं। आप इस तरीके की बैंगल्स मंगा करके रख लो और अपनी प्लेन बैंगल्स के साथ आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। ये सेकेंड प्रोडक्ट है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, अगर आपको मेरी तरह हेयर स्टाइल बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब आपको समझ नहीं आता कि क्या हेयर स्टाइल बनाए, आप इस तरीके के गजरे ट्राई कर सकते हो। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स का है, ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था, मैं लिंक आपका सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये बहुत प्यारा गजरा है, कुछ इस तरीके से पीछे से ये इस तरह से नेट से है,
मैश का है और आपको बस फिक्स करना है, इस तरह से फिक्स करना है। देखो फिक्स हो गया और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। बहुत बहुत सिंपल, बहुत ही सुंदर, सॉरी सुंदर लगता है। मैं इसको हमेशा अपनी किसी भी प्रोग्राम में, मतलब अभी मैंने तीज में भी इसको स्टाइल किया था, करवा चौथ में भी स्टाइल किया है पिछले साल, इस साल भी करूंगी, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते कहाँ से लिया आपने, इतना सुंदर गजरा लग रहा है, इतना सुंदर फ्लावर है, पूरा व्हाइट और रेड कलर का है। अब आप इस तरीके के गजरे भी ट्राई कर सकते हो, आर्टिफिशियल गजरे, या फिर आप इस तरीके का गजरा भी ट्राई कर सकते हो। ये मुझे मिला था ऐसे रबर बैंड में था, ठीक है, इस तरह से था, बट मैंने इसको काट करके ऐसे जुगाड़ करके इसको इतना लंबा सा कर लिया है। बस इसको लगा लो पीछे, कुछ इस तरह से फिक्स कर लो और फिर आप ये वाला लगा लो, बहुत मस्त वाला आपका जूड़ा बन जाएगा, बहुत ही प्यारा और मस्त वाला जूड़ा बन जाएगा। सो ये बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको हेयर स्टाइल बनाने में मेरी तरह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और सोचते करना क्या है भाई क्या के? नाउ फॉर नेक्स्ट नेक पीस। अब नेक पीस के लिए हमारे पास मैचिंग के नेक पीस नहीं है, रेड कलर की साड़ी है, कौन सा मैचिंग लें, ऑनलाइन ऑर्डर किया है, आया नहीं है अभी तक। सो आप इस तरीके की प्लेन कुंदन वाले अगर आपके पास है ना, अगर इस तरह का प्लेन कुंदन वाला आपके पास कोई भी नेक पीस है, ये हर किसी कलर के साथ चला जाएगा, रेड, मरून, ब्लैक, ग्रीन, पिंक, किसी भी साड़ी के साथ ये आपका इस तरीके का जो नेक पीस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि आपका पूरा गला एक तो ये पूरा भर देते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, हर किसी कलर के साथ ये मैच कर जाते हैं। सो इस तरीके का आप एक सेट अपने पास रख सकते हो हमेशा के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ज्वेलरीज पे, तो इस तरीके का एक सेट आप रख सकते हो। ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था, ये जवेरी पर्ल्स का है, तो इसका इयररिंग थोड़ा सा लंबा सा है, वो मैं अभी आपको शो नहीं कर रही। अब नोज पिन की बात कर लेते हैं। मैं बेसिकली आपको इस वीडियो में पूरा करवा चौथ से रिलेटेड चीजें ही दिखा रही हूँ, या फिर तीज से रिलेटेड, कि अगर आपने शॉपिंग नहीं की है, तैयारी नहीं की है, तो इस तरीके की चीजों से अभी आप स्टाइल कर सकते हो अपने पूरे करवा चौथ को। अब नोज पिन की बारी है, तो मैं इस तरह का मैंने अभी ऑर्डर किया, अभी रिसेंटली मैंने ये मंगवाया था मीशो से, बहुत सुंदर मुझे लगा है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। गणेश चतुर्थी में मैंने लुक भी ट्राई किया है इसको यूज करके, अगर आपको देखना है तो चैनल पे देख सकते हो, बहुत सुंदर सा ये नथ है, महाराष्ट्रीयन नथ है, बहुत प्यारी लगती है, बहुत ही एकदम लुक चेंज कर देती है। ये इस तरीके से फिक्स करने वाली है, अगर आपकी मतलब इस तरह से लगेगी, इस नाक में लगाना चाहिए था, मैंने इसमें लगा लिया, वाह वाह, एक सेकंड, कुछ इस तरह से लगने वाली है, देख रहे हो आप कितनी प्यारी सुंदर लग रही है, बहुत ही मस्त लगने वाली है। अगर आप ये वाले कुछ ट्राई करोगे तो बिल्कुल अलग से लगोगे आप। सो ये फर्स्ट नोज पिन है। उसके बाद अगर आप बहुत डिफरेंट जा रहे हो, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हो, आप बिल्कुल ग्लैमरस वाला लुक कर रहे हो, तो अगर आप इस तरह का कुछ नहीं ट्राई करना चाहते, तो आप इस तरह की ऑक्सीडाइज वाली नोज पिन भी ट्राई कर सकते हो। ये भी बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है, और बहुत जो लुक है ना वो आपका एकदम से बदल जाता है। तो मैंने इनको ट्राई किया हुआ, आई थिंक मैंने कोई वीडियो बनाया होगा शायद, तो उसमें पहना होगा, नवरात्रि वाला वीडियो बनाया, इस तरह से लगेगी। ये भी फंसाने वाली नोज पिन है, इसको इग्नोर करना, इसको देखना, ठीक है, ये नोज पिन ये भी फंसाने वाली है। अगर आपकी नाक छिदी हुई नहीं है, नोज होल नहीं है आपका, तो आप इस तरीके की नोज पिन ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है, मस्त लग रही है, मुझे तो बिल्कुल निकालने का दिल ही नहीं कर रहा है यार, बहुत ही मस्त वाला लुक देती है और बहुत ही डिफरेंट सा लुक होता है। सो आप इस तरीके की नोज पिन भी ट्राई लेते हैं। बिंदी की, तो बिंदी के लिए आपके पास हमेशा इस तरह की मल्टी कलर की बिंदीज होनी चाहिए, ठीक है, ये आप किसी भी ड्रेस के साथ ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ही प्यारा सा लुक देती है। मेरी वाली ड्रेस का कलर इसमें शायद ये है, देखो, सो ये शेड मेरी बिंदी का, मेरी कलर से मैच कर रहा है। सो आप देख रहे हो बिल्कुल ही अलग सा लुक हो गया, बिल्कुल रेड बिंदी हटाने के बाद ये कलरफुल बिंदी लगा के बहुत ही अच्छा लुक हो जाएगा। तो ये जो मल्टी कलर की बिंदीज हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया चीज आपके लिए हो सकती है। लास्ट में तो हमेशा हमारे पास हमारी प्यारी सी मरून बिंदी, इससे प्यारा तो कुछ हो ही नहीं सकता भैया, कोई भी कलर की बिंदी खरीद के ले आओ, बट ये अगर लगा लोगे ना, चाहे आप किसी भी कलर की ड्रेस पहन रहे हो, किसी भी कलर की साड़ी पहन रहे हो, ये मरून कलर की बिंदी जो है वो अपने में ही, इसका अपना ही एक लुक है, अपनी ही बात है, इसको तो कोई भी मतलब काट ही नहीं सकता। देख रहे हो आप
कैसा लिफ्ट अप हो गया, उस बिंदी से कैसा लुक था और इस बिंदी से कैसा लुक है, और जो छोटी वाली लगाई थी उससे कैसा लुक है। तो तीनों तरीके का लुक मैंने आपको दिखा दिया। सो ये बिंदी मरून कलर की बिंदी। अब बात कर लेते हैं रिंग्स की। तो रिंग्स के लिए आपके पास दो तरीके की रिंग्स रख लोगे ना तो काम बन जाएगा आपका। पहला तो आप इस तरह की कोई गोल्ड विथ पर्ल रिंग्स रख लो इस तरह का, तो ये जो है हर किसी ड्रेस के साथ आपकी चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर गोल्ड भी है, रोज गोल्ड कलर भी है, डायमंड्स भी है, इस तरीके से बीच में पर्ल भी बना हुआ है, जो कि हर किसी कलर की साड़ी के साथ आपके साथ चली जाएगी। सेकेंड ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, आप इस तरीके की रिंग ट्राई कर सकते हो जो कि सिर्फ गोल्डन स्टोन में है, जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है वाली रिंग। तो इस तरह की रिंग जो है वो हर किसी साड़ी के साथ चली जाती है, बहुत ही प्यारी लगती है। तो ये दो ऑप्शंस आपके पास होनी चाहिए। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिपस्टिक, मेरे पास ममाअर्थ की रेड कलर की लिपस्टिक है। रेड कलर इज यूनिवर्सल कलर। अगर आपके पास कोई शेड आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा लगाऊं, रेड कलर पे चले जाओ, कुछ भी मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत प्यारा सा रेड कलर है, बहुत सुंदर कलर है ये। ममाअर्थ की ये लिपस्टिक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत कंफर्टेबल है। कोई भी लिपस्टिक हो, कोई भी ब्रांड की हो, रेड कलर जो होता है, मैं आपको यहाँ ब्रांड नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि रेड कलर जो है वो हर किसी ड्रेस के साथ, हर किसी साड़ी के साथ, इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर, किसी भी कलर का, कुछ भी, किसी भी टाइप में चले जाओ, रेड कलर की लिपस्टिक हर किसी ड्रेस के साथ आपकी मैच होती है। सो दिस इज दिस कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली लाइक। और उसके बाद इस करवा चौथ में मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगी यार, लिक्विड वाला सिंदूर मत लगाना इस बार, इस तरीके का पाउडर वाला सिंदूर लगाना, बहुत मस्त लुक आएगा, बिल्कुल ट्रेडिशनल सा लुक आएगा। सो इस तरह इस बार करवा चौथ में आप पाउडर वाला लगाना, क्या कहते हैं यार इसको, सिंदूर पाउडर वाला लगाना, लिक्विड वाला मत लगाना, क्योंकि देखना आप लगा के देखना, आपको खुद ही लगेगा कि ये इसका लुक अलग है और लिक्विड वाले का अलग है। वैसे आप रोज लगाओ, बट जब करवा चौथ, तीज वगैरह इस तरह का कोई फेस्टिवल आता है ना, तो ये पाउडर वाले जो सिंदूर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही मतलब एकदम ट्रेडिशनल सा लुक आता है और बहुत सुंदर। कोई भी मेकअप फिक्सर अगर आपके पास है तो वो आप डेफिनेटली अपने मेकअप के बाद एक बार स्प्रे कर लो, आपका जो भी मेकअप है वो एक जगह इंटैक्ट रहेगा, टस से मस नहीं होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास मेकअप फिक्सर नहीं है ना, आप इस तरह की कोई भी स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा एलोवेरा जेल, थोड़ा सा गुलाब जल डाल करके उसको अच्छे से शेक कर लो और स्प्रे कर लो, वो भी आपका मेकअप फिक्सर का काम करेगा। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं करेगा जैसे कि ये करेगा, बट थोड़े समय के लिए वो आपके फेस को, आपके जो मेकअप है, आपका जो बेस है, वो उसको एक जगह इंटैक्ट रखेगा। बट आई सजेस्ट कि आप इस तरीके का कोई भी मेकअप फिक्सर अपने पास स्टॉक करके ज़रूर रखो, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल चीज़ होती है, आपका मेकअप इधर से उधर नहीं होता, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। That's it for today's video. I hope आपको ये video helpful लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर please अच्छा लगे तो channel को subscribe करना, like करना, comment करना, share करना, ताकि आगे आने वाली करवा चौथ जो आने वाली है 2-3 दिन बाद, उसके लिए जिसको भी help चाहिए वो इस video को देख करके, अगर तैयारी नहीं हुई है तो वो इस चीजों में प्यारी से तैयारी कर सकता है। So thank you for watching my all videos. Bye bye, take care.